अगले बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, दैट इज डेटा मॉडल की। ठीक है, डेटा मॉडल होता क्या है देखते हैं। हम देखेंगे डेटा मॉडल के बारे में और टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। अगर हम डेटा मॉडल की बात करें तो डेटा मॉडल जो है वो आपकी तीन चीजों को बताता है, अगर देखा जाए जनरली, डेटा, रिलेशनशिप, कंस्ट्रेंट। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि तीन मेजर चीज, एक आपका हो गया सिमेंटिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेटा मॉडल की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा मॉडल्स आर द कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिमेंटिक्स एंड डेटा कंस्ट्रेंट। मतलब जो डेटा मॉडल है वो बताते हैं कि डेटा आपका कैसा है, डेटा के बारे में बताते हैं। मतलब अपन सिंपल से बात करें, मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी की बात करें, ठीक है, तो डेटा मॉडल्स आर कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा डिस्क्राइब करने के लिए, उनके बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए, डेटा सिमेंटिक्स बताने के लिए, और डेटा पे कौन से कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो डेटा मॉडल हमें ये बताएंगे कि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो दिखेगा कैसे, कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद कैसा शो होगा। तो डेटा मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले आप मॉडलिंग करते हो। मॉडलिंग करने से मतलब ये हुआ कि जब भी आपका फाइनल सिस्टम मार्केट में लॉन्च होगा, ठीक है, कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद, तो व्यू कैसा होगा, दिखेगा कैसा, कंप्लीट अप्रोच दिखेगा कैसा। तो इसलिए डेटा मॉडलिंग की जरूरत होती है कि डेटा मॉडल गिव अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक आफ्टर इट्स कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन। फिर इट ऑल्सो डिफाइंस द डेटा एलिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्लास में बताया था कि स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, इनको आपस में मुझे रिलेट करना है तो कैसे रिलेट करेंगे। तो मैंने बताया आपको कि मैं क्या करूंगा, एक कॉमन, इसमें क्या कर लूंगा, एक सिंपल कॉमन कोई भी एट्रीब्यूट हम रख लेंगे। ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट से हमारा क्या हो जाएगा, उनको हम प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं कॉमन एट्रीब्यूट से। मतलब कॉमन एट्रीब्यूट मतलब कहना चाहिए स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी हो गया, उसको हमने कोर्स में रख दिया और टीचर के साथ भी रख दिया। तो टेबल्स को आपस में हम रिलेट करके, रिलेशनशिप बना के हम डेटा एलिमेंट को फैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो डेटा मॉडल्स आर यूज टू शो हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा स्टोर्ड कैसे है, कनेक्टेड कैसे है, रिलेटेड कैसे है और कैसे अपडेट होगा। ये सारी चीजें डेटा मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं। तो डेटा मॉडल यूज क्यों करना चाहिए, तो अगर मेनली प्राइमरी गोल हम अगर देखें तो पहला मेन गोल है कि आप एंश्योर करना चाहते हैं दैट ऑल डेटा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड बाय द डेटाबेस आर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड। तो पहला पॉइंट हो गया कि डेटा मॉडलिंग से आप ये पता कर सकते हो कि आपका डेटा जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें, मेरी आवाज आ रही है ना, बोलो बच्चे, पीपीटी, पीपीटी भी विजिबल है प्रॉपरली? यस सर। गुड, फिर दूसरी बात करें तो डेटा मॉडल हेल्प्स टू डिजाइन द डेटाबेस एट द कंसेप्चुअल, फिजिकल एंड लॉजिकल लेवल। हमने पढ़ा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा व्यू लेवल होता है, फिर हमारे पास क्या होता है, कंसेप्चुअल लेवल होता है, लॉजिकल लेवल, एक कंसेप्चुअल को ही हम लॉजिकल बोलते हैं और कहना चाहिए फिजिकल लेवल होता है। तो उन अलग अलग लेवल्स पे डिजाइनिंग कैसे हो रही है, डेटाबेस डिजाइन कैसे हो रहा है, क्योंकि जनरली हम बात करें डेटाबेस डिजाइन तो हम किस पे करते हैं, कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल पे करते हैं। ठीक है, तो डिजाइनिंग की आप बात कर रहे हो तो कैसे डिजाइन हो रहा है, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आता है। ठीक है, डेटा मॉडल स्ट्रक्चर हेल्प्स टू डिफाइन द रिलेशन टेबल्स, कीज के बारे में बताता है। अभी कीज क्या होते हैं हम देखेंगे, अभी आप समझ लो कि कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी बताता है कि डेटा मॉडल स्ट्रक्चर ये भी डिफाइन करेगा, डिफाइन करने में मदद करेगा कि आप कैसे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट किसके लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये आप ये क्या करता है, डेटाबेस डेवलपर को एक क्लियर पिक्चर भी बताता है कि कितनी जरूरत है, फिजिकल डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर ये भी बताता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है या कौन सा डुप्लीकेट डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें डेटा मॉडलिंग के थ्रू होती है। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल की बात करें तो
there are different type of data models as per the requirement, as or you can say as per the need of the user. ठीक है, और एक data model दूसरे data model से different होता है. किस बेस पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो आप? डेटा रिप्रेजेंटेशन के बेस पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि डेटा रिप्रेजेंटेशन सब में अलग अलग तरीके से होगा. तीन जनरल ग्रुप्स होते हैं डेटा मॉडल्स में. पहला होता है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, दूसरा होता है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, और तीसरा होता है फिजिकल डेटा मॉडल. ठीक है, तो अगर हम एक एक की बात करें तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, फिर रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, और फिजिकल डेटा मॉडल की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब हम एक एक मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे. पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल की. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता क्या है? अगर हम ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल की बात करें तो जब हम डेटा को डिस्क्राइब कंसेप्चुअल और व्यू लेवल पे करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था पहला लेवल हमारा व्यू लेवल है, दूसरा आपका कंसेप्चुअल लेवल है, और सबसे लास्ट आपका फिजिकल लेवल होता है, और फिर आपका डेटाबेस होता है. ये हमने देखा, ये आपका डेटाबेस. ठीक है, तो लेवल वन ए हो गया, लेवल वन, एल टू, एल थ्री. ठीक है, इसको आप लेवल वन यहां से भी चालू कर सकते हो, फिजिकल लेवल से भी. तो जब आप डिस्क्राइब क्या करना चाहते हो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल में, होता क्या है, जब डेटा को डिस्क्राइब आपको कंसेप्चुअल और व्यू लेवल पे करना हो तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल का आप यूज कर सकते हो. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज. ठीक है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट आप कर सकते हो या डिफरेंट स्ट्रक्चर रख सकते हो. ठीक है, फिर डिफरेंट डेटा कंस्टेंट स्पेसिफाई कर सकते हो, एक्सप्लिसिटली अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया है, मॉडल क्या करता है, एम्फेसाइज दैट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट हैविंग अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट. ये एम्फेसाइज करता है कि हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट है. जैसे कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि आप बोल सकते हो स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ. इसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंदर ये सारे के सारे डेटा मॉडल आते हैं, जिसमें से ईआर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे भी. तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, बाइनरी मॉडल, सिमेंटिक डेटा मॉडल, इन्फोलॉजिकल मॉडल, फंक्शनल डेटा मॉडल, इनमें से कुछ मॉडल को हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स होंगे. ठीक है, तो दीज आर द मॉडल विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल. आगे हम बात करें तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल. रिकॉर्ड का सिंपल सा मतलब हुआ कि आप अभी तक देखते आ रहे हो कि हमने बोला कि जो डेटा स्टोर्ड है वो आपका टेबल के फॉर्म में है. मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है, वो आपका फाइल्स के टर्म में विजुलाइज टेबल के फॉर्म में आप करते हो. ठीक है, चलो मान लिया कि टेबल के फॉर्म में है, तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल में क्या होगा, आपका रिकॉर्ड का अरेंजमेंट की बात करेंगे. ठीक है, रिकॉर्ड को शो होने की बात करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, ये सारा रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल हो जाएगा. तो ये भी अगर हम बात करें, इट ऑल्सो डिस्क्राइब डेटा एट द कंसेप्चुअल एंड व्यू लेवल. ये भी कंसेप्चुअल और व्यू लेवल की बात करता है, मतलब लेवल वन और लेवल टू की बात करता है ऊपर से. ठीक है, फिर अनलाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इट इज यूज टू स्पेसिफाई ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर. ये ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे ऑफ द डेटाबेस एंड प्रोवाइड हायर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन. अब सीधी सी बात है, रिकॉर्ड नाम में ही लिखा हुआ है, तो ये बताता है कि नेम्ड सो बिकॉज द डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड इन फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स ऑफ सेवरल टाइप्स. तो यहाँ क्या है, डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर होगा, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा, फिक्स्ड फॉर्मेट होगा. ठीक है, जो ईच रिकॉर्ड टाइप डिफाइन्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स और एट्रीब्यूट. सबके पास एट्रीब्यूट होंगे, उनका लेंथ होगा. ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होगा. ठीक है, डेटाबेस में और आपस में क्वेरी के थ्रू डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे और अपडेट कर पाएंगे. इसमें बड़ा ही फेमस है रिलेशनल मॉडल. ठीक है, देखेंगे हम तीनों ही, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल, ये तीन इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. फिर हम बात करते हैं फिजिकल डेटा मॉडल की. फिजिकल डेटा मॉडल मतलब क्या हुआ, ये फिजिकल डेटा मॉडल सबसे लोएस्ट लेवल को बताता है. ठीक है, मतलब वो फिजिकल लेवल को बता रहा है. ठीक है, डेटा डिस्क लेवल में कैसे स्टोर हो रहा है और उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये बताएगा. ठीक है, फिर ये भी ये बताएगा कि सेकेंडरी डिवाइस को आपका डीबीएमएस कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि ये तो उसकी बात कर रहा है, डेटाबेस की बात कर रहा है, जहां डेटा आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है. तो डेटा स्टोर्ड हो रहा है तो कितना स्पेस ले रहा है, आपस में डेटा का रिलेशनशिप क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क में कैसे डीबीएमएस उसको यूज कर रहा है, कैसे उसमें से डेटा स्टोर कर रहा है, कैसे उसको एक्सेस कर रहा है, ये सारी चीजें फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर आते हैं.
इसके अंदर बहुत ही फ्यू मॉडल्स हैं जैसे कि यूनिफाइंग मॉडल और फ्रेम मेमोरी मॉडल।